आप मेरे को बताइए, 7 साल की हमारी सरकार है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। मैं राजीव गांधी जी का बयान 80 के दशक का बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 1 रुपया पहुंच, 14 रुपए 14 रुपए पहुंचते हैं। अच्छा, 86 रुपए कौन लूट रहा था? और करप्शन का रेट 80 के दशक से 2000, आप मानते हैं 80 के दशक में 86% करप्शन था। मैं नहीं कह रहा हूँ, तब का प्रधानमंत्री कह रहा, और आज हम कह रहे हैं 100 रुपया दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी भेजते तो 100 पहुंचते हैं। अरे 100% पहुंचते हैं, हम तो भेजते ही डिजिटली है, रास्ते में किसी को खाने ही नहीं देते भाई साहब, इसी का नाम तो मोदी है। अरे हमने 20 करोड़ लोगों को पैसा भेजा है, तो कहीं डिजिटली तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा कि सिर्फ कागजों में या साइट्स पर हो रहा है? कि आपको डेवलपमेंट देखना है तो आप देखिए किस देश के नागरिक को। हमने कहा कि चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा, तो आप देख लीजिए जा रहा है। देश के अंदर कितने एयरपोर्ट बने मोदी जी के आने के बाद, रेल की दशा क्या थी, क्या कर दी सर? देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया। मैं नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, ऐसी सरकार चलती थी? 12 लाख करोड़ ऐसी सरकार चलाते थे सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी? और आज कोई कहे 1 आरोप दिखाइए, सरकार का खजाने से पैसा जाएगा, जरूर जाएगा, और जाएगा डिजिटली, जाएगा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा।